गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीक्वेंस सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स इन क्लास 10th यू ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाट इज सीक्वेंस अ सीक्वेंस इज एक्चुअली अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द गिवन सेट ठीक है सपोज दैट हमारे पास कोई सेट है कैपिटल ए ठीक है इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हमारा क्या है कैपिटल एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो सीक्वेंस क्या होता है सीक्वेंस एक मैप होता है सेट एन से गिवन सेट ए में ठीक है इट मीन्स यहाँ से जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट एन में इनकी मैपिंग होती है सेट ए के एलिमेंट्स के ऊपर सपोज दैट हमारे पास ये सेट एन है इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड एन एंड सो ऑन और यहाँ पर हमारा सेट ए है गिवन सेट ए है और इसके एलिमेंट्स हैं इधर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं इस टाइप से इसके क्लियर और ये हमारा फंक्शन है एफ विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम गिवन सेट एन टू सेट ए लेट दिस फंक्शन इज एफ तो एफ क्या करेगा वन की इमेज फॉर्म करेगा यहाँ पर किसी ने किसी एलिमेंट के ऊपर सपोज दैट इसके ऊपर मैपिंग हुई इसकी टू की इमेज फॉर्म हो रही है इस एलिमेंट के ऊपर थ्री की इसके ऊपर इस तरीके से एन की किसी ने किसी एलिमेंट के ऊपर इमेज फॉर्म होगी ठीक है तो इसमें ये फंक्शन काम क्या कर रहा है ये सेट ए के एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर रहा है यहाँ पे ठीक है एक सीक्वेंस में इसको अरेंज कर रहा है सीक्वेंस का मतलब क्या है एक ऑर्डर में अरेंज करेगा मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये फंक्शन उनको एक पोजीशन प्रोवाइड करेगा वन की इमेज इस एलिमेंट के ऊपर फॉर्म हो रही है इट मींस ये सीक्वेंस में क्या होगा ये एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं ए वन से डिनोट करते हैं ठीक है इट मींस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको ए वन मिलेगा टू की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी इस एलिमेंट के ऊपर फॉर्म हो रही है तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे ए टू का मतलब है इन द सीक्वेंस इन द ऑब्टेंड सीक्वेंस दिस एलिमेंट विल कम एट द सेकेंड पोजिशन थ्री की इमेज फॉर्म हो रही है इस एलिमेंट के ऊपर इट मींस इसको थर्ड पोजिशन अलॉट हुई इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए थ्री से और यहाँ पर एन जो है इसकी इमेज फॉर्म हो रही है इस एलिमेंट के ऊपर तो इसको हम पोजिशन क्या अलॉट करेंगे ए ठीक है इसी तरीके से ये एलिमेंट जो है इसको भी कोई ना कोई पोजीशन अलॉट होगी एन के बाद कोई नंबर आएगा ठीक है जिसकी इमेज इसके ऊपर फॉर्म होगी क्लियर तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी कोई ना कोई पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी ये फंक्शन क्या करेगा हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई पोजीशन प्रोवाइड करेगा तो सेट ए के एलिमेंट्स को जब हम एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे जहाँ पर हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई पोजीशन होगा ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे सीक्वेंस कहेंगे क्लियर तो सीक्वेंस से बेसिकली क्या होता है सीक्वेंस में हर एक एलिमेंट को हम एक फिक्स पोजीशन प्रोवाइड करते हैं क्लियर और इसमें जो nth पोजीशन पे नंबर आता है इसको हम क्या कहते हैं nth टर्म करते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस और इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं और जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ठीक है ये जो nth टर्म होता है ये जो जनरल टर्म होता है इसके हेल्प से हम सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं क्लियर ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे सीक्वेंस के सपोज दैट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट क्लियरली यहाँ पे हमको दिख रहा है पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है 2 के बाद 4 आ रहा है फिर 4 के बाद 6 आ रहा है देन 8 तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 ऐड करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हमने 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिल गया थर्ड फाइंड करने के लिए हमने सेकंड टर्म में फिर से 2 ऐड किया तो 6 मिल गया तो यहाँ से ये देख सकते हैं हम 2 की टेबल बन रही है एक तरीके से फर्स्ट टर्म 2 सेकेंड टर्म 2 4 थर्ड टर्म 2 3 6 तो इसलिए एनथ टर्म इसमें क्या आएगा 2n आएगा ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया a1 हो गया ये हमारा हो गया a2 दिस इज a3
दिस इज ए फोर एंड दिस वन इज nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस. क्लियर. दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 3, 9, 27, 81. क्लियर एंड सो ऑन. ये भी एक सीक्वेंस है. इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है आपको कि फर्स्ट टर्म क्या है, 3, सेकंड 3 का स्क्वायर 9, थर्ड इज 3 का क्यूब 27 एंड फोर्थ इज 3 to the power 4 81. इस टाइप से अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है कि nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, 3 to the power n. ठीक है एंड सो ऑन. इस टाइप से ये भी हमारा सीक्वेंस हो गया. और इसमें जनरल टर्म क्या मिल रहा है, nth टर्म क्या मिल रहा है, हियर an इज इक्वल टू 3 to the power n. इट मीन्स हमको nth टर्म चाहिए तो हम 3 की पावर n लगाएंगे तो हमको nth टर्म मिल जाएगा. हमको अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो 3 to the power 1, हमें 10th टर्म चाहिए तो 3 to the power 10. इस तरीके से हम इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. एक होता है फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस एक स्पेशल सीक्वेंस है. इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमको गिवन रहते हैं. सपोज दैट a1 इज इक्वल टू 1 एंड a2 इज इक्वल टू 1, ये हमको गिवन है. और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसके लिए एक रिलेशन होता है, nth टर्म, n माइनस 1th टर्म, एंड n माइनस 2th टर्म. क्लियर. सो इट मीन्स अगर हमको इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड करना है तो क्योंकि फर्स्ट टू टर्म्स हमको गिवन है तो इनकी हेल्प से हम इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. हियर n इज़ ग्रेटर दैन 2, इट मीन्स n की वैल्यू हम 2 से बड़ी ही लेंगे. 3 से स्टार्ट करके हम n के प्लेस पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं. सो इफ वी पुट n इज इक्वल टू 3 हियर देन वी विल गेट a3 इज इक्वल टू 3 - 1 a2 एंड a3 - 2 मीन्स a1. तो क्योंकि a1 a2 हमको पहले से गिवन है तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2. इस टाइप से अगर आप a4 फाइंड करना चाहते हो तो a4 क्या आएगा इस रिलेशन से, a4 इज इक्वल टू a3 + a2 आएगा यहाँ से. ठीक है. और a3 हम फाइंड कर चुके हैं, इट इज़ 2 एंड a2 इज 1, सो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सिमिलरली फिर आपको अगर a5 फाइंड करना है तो a5 इज़ a4 + a3, और a4 a3 दोनों ही आपके पास प्रेजेंट है, a4 इज 3 एंड a3 इज 2, तो आपका a5 क्या आ जाएगा, a5 विल बी 2 + 3 इज इक्वल टू 5. क्लियर. इस टाइप से हम फिबोनाची सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, nth टर्म का फार्मूला आपको गिवन है इसमें और फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है. कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम जनरल टर्म डिफाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स. तो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स में फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, 13, 17. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें. हाँ, इसमें एक चीज़ फिक्स है कि ये सभी नंबर्स क्या है, प्राइम है, बट इसमें कोई पैटर्न नहीं है. इसमें कोई हम जनरल फार्मूला नहीं बता सकते जिससे कि हमको पता लग जाए कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा इसमें. ठीक. बट ये भी क्या है, आपका सीक्वेंस है, क्योंकि ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है और इस सेट में हमने क्या किया है, हर एक नंबर को एक पोजिशन अलॉट की है. 2 फर्स्ट पोजिशन पर है, ये फर्स्ट टर्म है. 3 क्या है इसमें, सेकेंड टर्म है. 5 इज थर्ड टर्म. इस तरीके से हर एक टर्म का कोई ना कोई पोजीशन है. तो इट मींस ये भी हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है. क्लियर. नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1. यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक nth टर्म गिवन है किसी सीक्वेंस का और हमको सीक्वेंस फाइंड करना है. क्लियर.
तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसके टर्म्स फाइंड करने होंगे, कुछ इनिशियल टर्म्स फाइंड कर लेंगे तो हमें सीक्वेंस मिल जाएगी इसमें। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 इन दिस सीक्वेंस तो क्या आएगा, ए वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1, वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2, क्लियर। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 2 इन दिस nth टर्म तो ए टू क्या आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 2 प्लस 1 means 2 upon 3. For n is equal to 3, we will get 3 upon 3 plus 1 means 3 upon 4. And so on, nth term humko given hi hai, n upon n plus 1. So it means hamari obtained sequence kya hogi, jo sequence humko milegi, uska first term hoga 1 upon 2, second term will be 2 upon 3, third term will be 3 upon 4, एंड nth टर्म विल बी n अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन। अगर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। सीक्वेंस आपका दो तरीके का होता है, सीक्वेंस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकेंड इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स वो सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, वो हमारा फाइनाइट सीक्वेंस होता है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, मतलब सीक्वेंस आपका एंड नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्लियर। तो जैसे अगर किसी टर्म में 10 टर्म्स हैं या 20 टर्म्स हैं, 25 टर्म्स हैं, तो ये सब ही फाइनाइट नंबर्स हैं। इवन 1 crore उसमें टर्म्स है, या ठीक है 1 lakh टर्म्स है, तब भी एक फाइनाइट नंबर है। जो भी काउंटेबल नंबर है आपके पास, अगर उतने टर्म्स हैं तो उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। बट अगर आपके सीक्वेंस कंटिन्यू हो चला ही जा रहा है और उसमें जो है कहीं पे वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है सीक्वेंस, ठीक, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, ए एन इज इक्वल टू हमको गिवन है 2n-3/6। सो इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन द सीक्वेंस देन वी विल गेट ए वन इज इक्वल टू 2 × 1-3/6 मीन्स -1/6, फर्स्ट टर्म इसका आ गया। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2 वी विल गेट 2 × 2-3/6, 4 − 3/6 मीन्स 1/6। If we put n is equal to 3, then we will get 2 × 3-3/6, 6 − 3, 3/6 means 1/2, and nth term को आपको given ही है, nth term is 2n-3/6. So the required sequence is -1/6, 1/6, 1/2, 2n-3/6 एंड सो। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया, क्लियर। नाउ थर्ड वन इज, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, इसमें क्या गिवन है हमको, फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है और nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन गिवन है, nth टर्म और n-1th टर्म के लिए, जहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी। तो ये तो फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन ही है, सेकेंड टर्म भी गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए इस रिलेशन का यूज़ करेंगे हम। ए थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए थ्री इज इक्वल टू a3-1-1, इट मीन्स a2-1, एंड a2 की वैल्यू गिवन है हमको 2, सो 2-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इट मीन्स a3 इज इक्वल टू 1। नाउ इफ यू बी वॉन्ट टू फाइंड a4 देन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन a4 इज इक्वल टू क्या आएगा a3-1, एंड a3 इज 1, सो 1-1, 0, a4 विल बी 0। a5 आपको फाइंड करना है, तो a5 क्या हो जाएगा, a5-1, एंड a5 आपका क्या आएगा, a4-1, एंड a4 कितना है 0, सो 0-1 इज इक्वल टू -1। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो हमारी ऑप्टेंड सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 2 2
वन ज़ीरो माइनस वन एंड सो ऑन। क्लियर, ये हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गई। तो अगर आपको जनरल टर्म गिवन है किसी सीक्वेंस का या एरर टर्म गिवन है तो आप उसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एन। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस सीट, सो नोट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। थैंक यू।